सभी को नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है और पॉजिटिव बिलीविंग है, दोनों में क्या फर्क है, और पॉजिटिव सोचने से हमारी सक्सेस पर कितना फर्क पड़ता है, और क्या पॉजिटिव सोचना सफिशिएंट रह जाता है, या सिर्फ पॉजिटिव सोचने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। तो ये इस सिनेरियो को, इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको मैं कहानी सुनाना चाहूँगा मोहम्मद अली की। आप सभी ने मोहम्मद अली के बारे में सुना होगा, बहुत ही विख्यात, बहुत ही पॉपुलर और एक सक्सेसफुल बॉक्सर रह चुके हैं। इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मोहम्मद अली की एक बहुत अच्छी आदत थी, जब भी वो रिंग में जाते थे या फिर जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो हमेशा ये बोलते थे आई एम द बेस्ट आई एम द चैम्पियन। ये चीज़ वो खुद से बोला करते थे, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते थे, अपने दिमाग को उस हिसाब से प्रोग्राम करते थे। क्यों करते थे वो ऐसा? क्योंकि कई बार हमारी विल, हमारी इच्छा शक्ति बहुत कमज़ोर होने लगती है, और ये जो स्किल है ना, उस पर भारी पड़ने लग जाती है। विल, स्किल बहुत अच्छी हो सकती है, पर अगर विल मजबूत नहीं है, इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा लो फील करता है अलग अलग कंडीशंस में। तो मोहम्मद अली क्या करते थे, जब भी रिंग में जाते थे या जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तब वो खुद से बोलते थे आई एम द चैम्पियन। अगर सामने कोई स्ट्रॉन्ग, अगर उनका अपोजिशन में सामने कंटेंडर जो होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, तो वो उसे भी ये बात बोलते थे यू हैव द बेल्ट बट आई एम द चैम्पियन। खुद को बोलते थे, और वहाँ पर ये चीज़ उनके दिमाग को इतना परफेक्टली प्रोग्राम कर देती थी कि उनकी लाइफ में जो लोज आते थे वो बहुत ईजिली उनसे टैकल कर लेते थे। पर क्या वो सिर्फ खुद को बोल रहे थे? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से क्या वो चैंपियन बन गए थे? क्या ये सिर्फ खुद को कहने से कि आई एम द चैंपियन चैंपियन बन जाते हैं? क्या हम बेस्ट हो जाते हैं? क्या हम अपनी लाइफ में जो चाह रहे होते हैं उसको पा लेते हैं सिर्फ इतना बोलने से, इतना सोचने से? नहीं। जब वो खुद को इस पॉजिटिव ओरा के अंदर ढाल रहे थे, जब वो खुद को ये बात बोल रहे थे कि आई एम द चैंपियन, उस समय वो अपनी काउच पर लेटे नहीं हुए थे, वो उस समय बटर, चिकन और ये सब चीज़ें खा नहीं रहे होते थे, उस समय पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब नहीं कंज्यूम कर रहे होते थे, वो उस समय रिंग में होते थे, वो उस समय अपने प्रैक्टिस एरिया में होते थे, वो उस समय पंच कर रहे होते थे बैक को, वो उस समय रनिंग कर रहे होते थे, वो उस समय जिम में होते थे, मेहनत कर रहे थे। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको मदद करती है जब ये सारे एफर्ट्स आप एक साथ करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देती, पर अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपके पॉजिटिव एक्शंस, पॉजिटिव एफर्ट्स होते हैं, तो इससे आपकी पॉसिबिलिटी, आपके चांसेस सक्सेसफुल होने के बढ़ जाते हैं। बहुत बार हम ये चीज़ सोचते हैं कि क्या मुझे स्किल चाहिए या मुझे विल चाहिए। सर, दोनों चीज़ें चाहिए आपको, स्किल भी होनी चाहिए, विल भी होनी चाहिए। विल मतलब इच्छा शक्ति। स्किल डेवलप की जा सकती है कि मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके लेवल तक जाना है, चाहे वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, मुझे उस लेवल पर जाना है। उस स्किल को तैयार किया जा सकता है, पर विल किसी की देख कर नहीं आ सकती। विल है इच्छा शक्ति, जब गिरते हो फिर खड़े होने की इच्छा शक्ति, जब हार मान जाते हो, कभी फील करते हैं कि मैं नहीं कर सकता, उस समय बैक वापस आने की, वापस दोबारा से उसी इंटेंसिटी के साथ बहुत तगड़े तरीके से दोबारा शुरुआत करने की, वो इच्छा शक्ति, वो विल ही है जो कई बार स्किल को भी ओवरकम कर देती है, स्किल के भी ऊपर भारी पड़ जाती है। तो किसी स्किलफुल और विलफुल इंसान को अगर मैं कंपेयर करूँ, तो विलफुल इंसान का पलड़ा भारी रहता है, पर सिर्फ विल अकेले भी काम नहीं करती, साथ में मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करनी पड़ती है, और आपको ये जो बैक उसका पूरा सहारा बनती है, आपके जो पूरे के पूरे एफर्ट है, पूरे के पूरी जो मेहनत है, उसका सहारा बनती है आपकी विल, आपकी पॉजिटिव इच्छा शक्ति, जो खुद को बार बार कहना। इसलिए ये वर्ड्स यूज़ करने के लिए कहा जाता है कि आप खुद को कहो कि मैं कर सकता हूँ। अलग अलग मोटिवेशनल सेशंस में आपने सुना होगा कि आईने के सामने खड़े होकर खुद को बोल के तू कर सकता है। हाँ, इससे हम बहुत पॉजिटिव फील करने लगते हैं, पर सिर्फ यही अकेला तरीका नहीं है। इतना सा कहने से बात नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होगा कि तू कर सकता है ऐसा बोल के जाकर हम चद्दर तान के सो जाएं, उससे नहीं होगा। आपने खुद को पॉजिटिव बोलना है, खुद को पॉजिटिव फील कराना है, साथ ही पॉजिटिव एफर्ट्स, एक्शन के साथ, मेहनत करने के साथ, तब फ़ायदा है। सर, यूँ फ़ायदा नहीं है, मेहनत करनी है। मोहम्मद अली को अपना इंस्पिरेशन बनाकर, जो उनको देखकर हमने सीखा है, वो अपने लाइफ में अप्लाई करना है। यस, यू आर द चैंपियन, पर चैंपियन के लिए जितनी दूर आपने चलना है, उतनी मेहनत भी आपने करनी है। तो दम लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे, एंड हाँ, हम प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ, हम चैंपियन हैं।